फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका हमारे चैनल एल एस हिंदी टिप्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Xiaomi Mi 10 एंड Mi 10 Pro के बारे में। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पर लॉन्च होगा और इसके अंदर आपको क्या क्या खास देखने को मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखना एंड तक। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, हमारी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि Xiaomi Mi 10 एंड Mi 10 Pro के बारे में, दोनों के बारे में अंतर बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है फ्रेंड्स। पर पहले मैं आपको बताऊंगा Xiaomi Mi 10 के बारे में, है ना फ्रेंड्स। और इसके वैसे तो कोई प्रॉपर इसकी कंपनी ने कुछ इमेज नहीं दी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसकी प्री बुकिंग भी लॉन्च नहीं हुई है, ऑनलाइन तक पे ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें कब लॉन्च होगा, कैसे क्या होगा और ये किस तरीके से दिखा। बट कंपनी ने कुछ अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल इसकी इमेज के द्वारा हाइलाइट्स दिखाएंगे, यानी कि हाइलाइट्स में ये दिखाया है वो फ़ोटो के द्वारा हाइलाइट्स दिखाएंगे। उसके अंदर ये दिखाया है कि इनके मेन मेन फीचर्स क्या हैं। प्रॉपर पूरे फीचर्स तो नहीं दिखाए हैं, बट जो मेन चीज़ है उसके अंदर, जो जो मेन फीचर हैं इस Xiaomi Mi 10 के अंदर, वो सब दिखाया उन्होंने, ठीक है। तो पहले मैं उसकी हाइलाइट्स दिखाता हूँ आपको और एक एक करके फिर उसके फीचर्स स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा Xiaomi Mi 10 के बारे में, और Mi 10 Pro के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसकी मेन चीज़ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फ़ोन की पे, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले दिखेगी इसकी। आप देख सकते हैं फुल डिस्प्ले है, इसके बेजल्स भी देख सकते हैं साइड के बिल्कुल नहीं है। इसको कहते हैं प्रॉपर फुल डिस्प्ले फ़ोन, जी कहलाता है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लुक है वो देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं साइड में, ये देखिए बेजल किस तरीके से थोड़े साइड में मुड़े हुए हैं, जिस तरीके से सैमसंग का 6A 6A 10 इस तरीके से दिखा था ना, उस तरीके से मुड़ा। और इन डिस्प्ले इसका फ्रंट कैमरा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा है इसका फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ, जो कि मेन हाईलाइट इसका कैमरा है। तो पहले आप देख सकते हैं कि कैमरा 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है इसमें फ्रेंड्स। हाँ, इसका प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का फ्रेंड्स, यानी कि वर्ल्ड का फर्स्ट पहला फ़ोन है जिसका 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा मेगापिक्सल दिख रहा है आपको प्राइमरी कैमरा का। इसमें कुछ इसके लिए कुछ दिख भी रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है कैप्चर द अनसीन इन द एवरीडे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं इसमें जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के बारे में दिया है, रेडी स्टेडी रोल, ठीक है फ्रेंड्स। ये कैमरा है इसका जो इसका हाईलाइट है। अब जो 108 मेगापिक्सल का है, तो उसका मतलब जो मत सोच लेना कि 108 मेगापिक्सल का, तो जो बहुत क्लियर कहेगा मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता, मेगापिक्सल सिर्फ आपको बता दूं फ्रेंड्स नंबर होते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है पिक्सल साइज़ कितने अच्छे हैं और एपेचर कितना अच्छा है और किस तरीके से ये सेंसर इसके अंदर यूज़ करेगा, ये वो मेन चीज़ होती है। मेगापिक्सल नहीं, वो तो कोई भी डाल दे 200 या 500 मेगापिक्सल, इससे कोई मतलब नहीं होता। पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ की डिस्प्ले की बात बताऊँ कि डिस्प्ले की जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो 6.67 इंच का इनका इस फ़ोन का Xiaomi Mi 10 का साइज़ होगा डिस्प्ले का, जिसमें से आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले के बारे में दिया हुआ है इस हाईलाइट के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स डिस्प्ले के बारे में आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कि ये डिस्प्ले पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ 6.7 इंच की है, यानी कि 6.6 इंच की आपको फुल जिसके साइड में कोई बेजल्स नहीं, फुल डिस्प्ले उसको बोला जाता है, वो मिलेगी आपको। और इसका जो पैनल है वो AMOLED होगा, जो सैमसंग यूज़ करती है AMOLED, जिसमें कलर्स अच्छे आते हैं, शार्पनेस अच्छी आती है, क्लियर दिखता है फ्रेंड्स, ट्रू कलर देख सकते हैं, सच्चे कलर क्लियर कलर दिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके संग आपको पैनल तो आपको AMOLED मिलेगा, डिस्प्ले साइज़ जो 6.6 इंच का मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो इसकी डिस्प्ले की बात हो गई। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्प्ले में आपको और क्या मिलेगा। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3D कर्वेड साइड डिस्प्ले, यानी कि इसके जो साइड होंगे वो 3D जैसे दिखेंगे। देखिए लिख सकते हैं, देखिए आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 3D कर्वेड डिस्प्ले है ना, और विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ। अब इसमें उन्होंने कुछ हाईलाइट्स भी लिखे हुए हैं, देखिए डोंट ब्रेक दैम, ठीक है, यानी कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इसमें दिया हुआ, पर ये नहीं पता कौन सा दिया हुआ, पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आपको मिलेगा, 3D कॉर्वेड मिलेगा, यानी कि डिजाइन मिलेगा साइड में, ठीक है। अब आपको इसको बताता हूँ इसकी मेन चीज़ प्रोसेसर के बारे में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कॉइल कॉम स्नैप ड्रैगन 865 मिला, यानी कि
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आप जानते हो कितने अच्छे प्रोसेसर बनाती है, मोबाइल में सबसे बढ़िया प्रोसेसर बनाती है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल प्रोसेसर है फ्रेंड्स है आज की डेट में, और न्यू जो कि आपको वन प्लस एट प्रो में मिलेगा, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं जाकर, और देखिए इसमें क्या लिखा, फास्ट टाइम सीरियली बाय पावरफुल, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बहुत पावरफुल प्रोसेसर है क्योंकि इसे बहुत कम नैनोमीटर पर मिलता है, बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। और नैनोमीटर का मतलब जो होता है कि प्रोसेसर जितने कम नैनोमीटर पर बना होगा उतना फास्ट और स्मूथ काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कम से कम 6 नैनोमीटर पर बना होगा मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत से लोगों की क्वायरीज रहती हैं कि ये फ़ोन 5G है कि नहीं, तो आप सिंपल देख सकते हैं हाईलाइट्स में क्लियर इन्होंने कहा है, क्लियर देख सकते हैं 5G फ़ोन ये है, रेडी टू 5G, बेशक इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ हो बट ये 5G फ़ोन है। अभी कोरोना वायरस ख़त्म होगा और लॉकडाउन हटेगा तो 5G पे भी काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि पूरी दुनिया परेशान है इस समय कोरोना वायरस से, तो जो 5G तो है ये क्लियर है, ठीक है। वाईफाई 6 का इन्होंने कुछ दे रखा है ना फ्रेंड्स, ये कुछ थोड़े अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे इनकी वाईफाई में, तो ये कुछ हाईलाइट्स दे रखी हैं। और बहुत से लोगों की बताऊँ, बहुत से लोग सोचते होंगे पबजी गेमिंग का बहुत वो चल रहा है इस समय ट्रेंड, तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि पबजी के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है, ठीक है, पबजी के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है। गेमिंग का तो जो प्रोसेसर बना ही गेमिंग के लिए हैवी यूज़र्स के लिए बना है प्रोसेसर, ठीक है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 जो बना ही गेम के लिए पावर यूज़र्स के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको क्वायरीज और एक और चीज़ मैं बताऊँ, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप 8K वीडियो यानी 8K HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। पहले आपने सुना होगा कि 4K HD रिकॉर्डिंग करते हैं फ़ोन, अब 8K भी कर सकते हैं, 8K HD वीडियो कॉल भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, यानी कि 8K HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी ये फ़ोन कर सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट वायरलेस चार्जिंग इन्होंने बताया, नो वायर लिखा है वायरलेस, ठीक है, नो वायरिंग और नो वेटिंग, यानी कि बहुत फास्ट इन्होंने बताया है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, और आप इसमें वायरलेस चार्जर सपोर्ट करना चाहते हो तो उससे भी ये सपोर्ट करेगा, और उसके संग भी आपको 30 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी आपको मिलेगा जो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो करता ही है, ये तो क्लियर है, ठीक है। और फ्रेंड्स अब मैं गेमिंग की बात कर रहा था, ये तो गेमिंग के लिए बनाई है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ उसके बारे में कि ये कब लॉन्च होगा। तो फ्रेंड्स आप डेट देख सकते हैं, ये लिखा है देखिए, लॉन्चिंग डेट ऑन 8 मई 12 बजे। ये एक फ्लैक्सिप फ़ोन है ये फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये लॉन्चिंग होगा ये, पर मैं आपको बताऊँ जो ऑफिशियली लॉन्च नहीं होगा, ऑफलाइन में तो होगा नहीं क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन है, बट जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इनकी खुद की वेबसाइट पे और जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जो प्री बुकिंग के लिए लॉन्च होगा फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि यार लॉकडाउन तो खुला नहीं है कैसे आएगा, तो मैं आपको बताऊँ, सरकार ने, गवर्नमेंट ने, हमारी देश की ने कहा है कि जिस एरिया में जो एरिया ग्रीन जोन में आता है और ऑरेंज जोन में आता है, उधर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑनलाइन पर से सामान मंगा सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी मंगा सकते हो, यानी फ़ोन भी मंगा सकते हो, और भी आपको कोई ज़रूरत है वो भी मंगा सकते हो, बट डिलीवरी वहीं होगी, फ़ोन की हो या इस फ़ोन को लेना चाहते हो तो आप डिलीवरी वहीं होगी जहाँ पर ग्रीन जोन होगा और ऑरेंज जोन होगा। अगर आपका एरिया ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में आता है तो आप इस फ़ोन को मंगा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मंगाने की मैंने बता दी, और जी लॉन्च होगा पहले लाइव स्ट्रीम होगी इसकी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और ऑनलाइन पर लाइव स्ट्रीम करेंगे ये 8 मई 12 बजे, ठीक है, लाइव स्ट्रीम होगी, फिर इसकी प्री बुकिंग चालू हो जाएगी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इनके खुद के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और डिलीवरी वहीं होगी जहाँ ग्रीन जोन होगा और ऑरेंज जोन होगा। अगर आपका एरिया आता है तो आप ले सकते हो ग्रीन में या ऑरेंज में। अब मैं आपको बताता हूँ पहले मेन चीज़ कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसमें कोई प्राइस तो उन्होंने शो करी नहीं है, बट मैं आपको बताऊँ कि इसकी जो प्राइस होगी वो 40,000 से ज़्यादा होगी, यानी कि 40,000 से भी ज़्यादा का प्लस इसकी प्राइस होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक फ्लैक्सिप फ़ोन है, प्रोसेसर इतना महंगा है, देख सकते हैं आप डिज़ाइन पे कितना उन्होंने काम करा है, फ्लैक्सिप फ़ोन महंगे ही होते हैं फ्रेंड्स, उनकी प्राइस हमेशा 35-40-50,000 के आसपास ही रहती है, तो इसकी भी 40,000 से ऊपर ही रहेगी, यानी 40,000 रुपीज़ से ऊपर ही रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ आपको मी टेन प्रो के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ, मी टेन प्रो है वो चाइना में लॉन्च हुआ था, ठीक है, वो इंडिया में अभी मी टेन प्रो के बारे में जो लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर मी टेन प्रो फ्रेंड्स इंडिया के अंदर नहीं आएगा,
कोई चांस नहीं है, मुश्किल है। पहले मी 10 आएगा, फिर मी 10 प्रो हो सकता है आए, बट अभी नहीं आएगा। और मी 10 प्रो के बारे में लोग जो सर्च कर रहे हैं, वो सर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चाइना में लॉन्च हुआ था मी 10 8 प्रो, बट उन्होंने इंडिया में लॉन्च के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, इन्होंने ऑनलाइन के लिए किसी भी देश के लिए नहीं लॉन्च करा, क्योंकि मी 10 8 प्रो के बारे में अभी कोई भी ऐसी जानकारी हमें नहीं मिली है। इनके आप देख सकते हो जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं भी मी 10 8 प्रो के बारे में नहीं दिया है, सॉरी मी 10 8 प्रो कह रहा, मी 10 प्रो के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, गलती से मी 10 8 प्रो निकल गया, माफ़ करना। मी 10 प्रो के बारे में कुछ भी इन्होंने हाईलाइट्स में नहीं बताया, तो फ्रेंड्स मी 10 प्रो के बारे में ना सोचें, अभी मी 10 के बारे में सोचें। अगर और आपको बताऊं, अगर आप, मैं अपना सजेशन देता हूं कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, फ़ोन में तो जो ऑफिशियली लॉन्च होगा, जब पता चलेगा इसके पूरे फीचर्स की, इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या फीचर है, वो प्रॉपर पता चलेंगे। इसमें ना तो थोड़ा सा सिर्फ कैमरे के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, चार्जिंग के बारे में दिया है। और आपको इसकी बैटरी बता दूँ तो 4000 mAh से ज़्यादा की बैटरी होगी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं अपने सजेशन की बात कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अगर आपका बटन वो सॉरी आपका बजट 40,000 से ज़्यादा है, अगर आपका बजट 40,000 से ज़्यादा है, आपकी पॉकेट में 40,000 से ज़्यादा पैसे हैं और बजट है आपका, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप ये मत करना कि आप इस फ़ोन के चक्कर में पड़े चले जाओ। अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हो बिल्कुल। शाओमी हमेशा से ही कम रेंज में आपको अच्छा फ़ोन देती है, और जो तो ज़्यादा रेंज में आपको, तो आप सोच सकते हो कि ये तो ज़्यादा रेंज वाला फ़ोन होगा तो उसमें कितना बढ़िया चीज़ आपको जी देगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि कम बजट में तो बढ़िया फ़ोन बनाती है, और ज़्यादा बजट में कितने अच्छे फीचर्स कितने देंगे। कुछ तो हाईलाइट्स आपको मैंने इसमें सब दिखा दी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे तो शाओमी के फ़ोन अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।